بالله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام سلام.
लेना चाह रहा है तो मैं क्यों इस इम्तिहान से दूर हो जाऊं? मैं अपने भाई के साथ कदम से कदम चला कर कदम से कदम मिला कर चलूंगी। मैं अपने भाई का इंतहा तक साथ दूंगी। सब पता था कि कहाँ तक वफाए हुसैन है और कहाँ तक जफाए सितम है, सब जानती थी। और फिर बीवी ने इस मसाइल के हजूम में एक बात हमें बता दी, दो चीजें हमें सिखा दी। क्या बताया? कि हर तरह की मसालत कर दूंगी। क्या ये भूखा रखा जाएगा? तैयार। प्यासे होने के लिए तैयार। हाथों में रस्सियां बंधेंगी, तैयार। सबसे चादर छीनेगी, तैयार। सकीना के मुंह में तमाचे लगेंगे, तैयार। हसनी असगर का गला छिपेगा, तैयार। प्यासों के खंजर पर नेजे और तलवारें चलेंगी, तैयार। लेकिन मसालत नहीं करूंगी दो बातों पर, एक आजादारी पर, एक रोने पर, एक मजली से हुसैन करने पर किसी किस्म की मसालत नहीं करूंगी। ये बीवी ने बताया। पहली बात कही कि आजादारी करूंगी। याद है ना कि जब जिंदा में यजीद का कासिद आया था और क्या कहा था कि सैयद से सज्जाद को दरबार में बुलाया है और कहा है कि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। तो पता है ना कि जब दो ग्रुपों में लड़ाई होती है तो वही फैसला करता है, वही शरारत रखता है जो जीतता है। तो बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा था कि मुझे एक मकान दो, एक ऐसा घर दो जहाँ मैं खुलकर अपने प्यारों को रो सकूं। बीबी ने तो भी कहा था कि हमें पानी चाहिए। क्या पानी कर्बला में ले गया था? शाम में करीबा के बाद क्या बच्चे प्यासे नहीं थे? क्या कूफे के रास्ते में बच्चे प्यासे नहीं थे? क्या तो बाद में शाम में बच्चे प्यासे नहीं थे? बच्चों की प्यास तो पता ही कहाँ तक चलती है। क्या सकीना प्यासी नहीं थी? क्या अली असगर के लोग के नेता में जब उनको बुलंद किया गया क्या उस वक्त वो प्यासे नहीं थे? हर बच्चा पानी चाहता था। लेकिन बीबी ने कहा हमें पानी नहीं चाहिए, हमें खुराक नहीं चाहिए। अगर तुम लेना ही चाहते हो तो हमें ऐसा घर दो जहाँ हम अपनी मातम से, अपने क्रिया से, अपनी प्यास बुझा सके। हमें प्यास से तो रोने की, प्यास से अपने प्यारों को याद करने की, प्यास से हमें खुलकर अब तक रोने नहीं दिया गया जहाँ कोई रोता था। साथ सच्चा याद है ना बोला कि जब बच्ची अपने मामा को याद कर कर रोती थी जिंदा में, अपने मामा का सर बांधती थी और ये शेर जिंदा से आने वाला था। और दूसरी बीवी ने शर्त क्या रखी थी कि हमारे तलवारों का वापस क्यों कहा था? इसलिए कि उसने बीवी फातिमा जारा का वो चरखा था जो बीवी फातिमा जारा की निशानी था। और दूसरी मसालत बीवी ने कहा हम इसमें नहीं करेंगे, वो क्या है? वो शरीयत एहकामो हलालो हराम है। याद है ना वो दिन कि जब तमाम शहीद हो चुके रोजे आशूर पर, सब शहीद हो चुके, उसके बाद अशकिया की फौज खयाम में आई, बीवियों की चादरों इस मतों पे चादरों पे हाथ डाला, कि पीछे लोग कभी एक के पीछे बीवी के पीछे जाती, कभी दूसरी बीवी के पीछे जाती। आखिर में इतना जालिम एक नेसा है सारे लोग के नेसा पे, अभी भी के सर से चादर चली गई। ऐसे में खयाम को आग लग गई। याद है वो सारे मनाजिर कि खयाम को जब आग लगी तो बीवियों ने कहा बीवी ज़ैनब बताए बताए कि हम जलकर मर जाएं, क्या हम इस खयाम से चले जाएं। अगर बीवी ये कह देती कि हिजाब साकित है, हिजाब पर्दा साकित है, बहुत जरूरी है, तो बीवियां वहीं जलकर मर चुकी होती। लेकिन बीवी ने क्या कहा? कहा बेशक मैं मिंबरे अली की वारिस हूँ, बेशक मैं मिंबरे सलूनी की वारिस हूँ, बेशक मैं खबीबा आलिमा रहमान लिमा हूँ, लेकिन ये सारे हुक्म का इख्तियार है इमाम पर सैयद सज्जाद को। सज्जाद बताएंगे, वो फैसला करेंगे कि हम ये जलकर मरना है क्या भी बाहर निकल रहे। तो सज्जाद ने क्या कहा? बीवी से है कि बाहर निकल जाइए।
ہوں گے۔